प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। आजमाना मतलब उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों ये है हाथ की सफाई, देखो मित्रों ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई।